जय हिंद स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। ये पूरी सीरीज चलेगी जिसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो कॉन्स्टेबल की, चाहे आप RRB कर रहे हो, चाहे DTPSSB कर रहे हो, SSC किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ वही करंट अफेयर लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप अगर इस पूरी सीरीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा आपके जो करंट अफेयर्स होंगे, 5 या 6 करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आते आते हैं, वो डेफिनेटली ठीक होने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सीरीज फॉलो करनी है। इसका मैं प्लेलिस्ट डाल दूँ अपने चैनल में भी, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के नाम से। सो आप एग्जाम से 10 दिन पहले भी उसको देख सकते हैं ताकि आपके रिविजन के तौर पर आप अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकें। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आपको आता है ठीक है, नहीं तो मैं आंसर बताता जाऊंगा साथ में, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो रिपीट करके 10 दिन बाद 20 दिन बाद इसको रिवाइज भी कर सकते हैं ताकि आपके जो करंट अफेयर्स हैं कवर हो सकें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैं उसका आंसर भी बता दे जाऊंगा आपको। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निरुपति रॉय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आपको भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 69वें संस्करण का आयोजन जो है वो गुजरात राज्य में किया जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी, शाहरुख खान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये 10वें क्रिकेटर हैं विराट कोहली, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पहले पे हैं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 664 क्रिकेट मैच खेले हैं इंटरनेशनल। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, थलप्पी प्रदीप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, थलप्पी प्रदीप को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो फ्रेंड मेरी माटी मेरा देश जो पहल है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल, ऐसी पहल है, पहली पहल है जिन्होंने ये मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के आम चुनावों के लिए किस नाम के गठबंधन बनाया है? किस नाम से गठबंधन बनाया है ये? तो फ्रेंड ये इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड इसका आपको राइट आंसर बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका ना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीजा फ्रेंचेटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड वो है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने पहला विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट इन्होंने लॉन्च कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनसुख मांडविया। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शशांक सुत्रमण्यम कवण साईराम, इन दोनों को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के
नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो फ्रेंड जो 5600 करोड़ रुपए की जो नेशनल हाईवे की जो शुरुआत वो की गई है राजस्थान में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में काफी ज्यादा का चर्चा भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। इसको आप मार्क करके रखना, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गेगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, महिंद्रा एंड सन्स के द्वारा ये घोषणा की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन ए मुंबई, सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में रैंकिंग एक पे है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपको बताना है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो फ्रेंड ये है श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे पूरे पूरे। क्वेश्चन नंबर 19 है। विमंडल 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रखना, काफी ज्यादा चांस होंगे इसके आने के। तो इस जो ये खिताब जो है ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज, इन्होंने ये खिताब जीता है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल में। क्वेश्चन नंबर 20। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो फ्रेंड ये है 95, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विमंडल 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड महिला का भी पूछने के चांस ज्यादा होते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी मार्केटा वोंडोसोवा ने विमंडल 2023 में महिलाओं का एकल खिताब जीता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको मार्क करके रखना है आपको। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी केवड़िया में इसके आयोजन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में तैराक नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये जो तैराक हैं इनका नाम है ऑप्शन बी अंशुमन झिंगरन, इन्होंने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया है। ठीक है, आपको मैप में दिख रहा भी होगा ये नॉर्थ चैनल है। ठीक है, इसको पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, 24 की तरफ। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो फ्रेंड ये कौन से खिलाड़ी हैं? ये है लक्ष्य सेन ने ये खिताब अपने नाम करा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये तो आपको नाम भी पता होगा काफी बच्चों को। तो आर प्रज्ञानंद, इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर थे हंगरी में, इन्होंने जीता ये। चलते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो फ्रेंड इस बैंक का नाम है ऑप्शन बी IDBI बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत की है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो फ्रेंड ये कौन सा राज्य है जिसने ये जो नई योजना चालू की है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना जो है चलाई जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान के साथ ये करार किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पीएम
पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम जो आप जानेंगे तो थोड़ा सा आपको भी लगेगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस। तो फ्रांस के थ्रू ये पीएम मोदी को सम्मान दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये जो तारीख है वो है 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखना है आपको। सो फ्रेंड ये 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स, लास्ट सिक्स मंथ।